ये यात्रा का प्रयास है। यशी जी, आपने लिंगरा जी जो पांचों धामों की यात्रा के उस तरह से बात कर रहे थे कि जिन्होंने नजदीक से देखा, जो हमारे प्रबंधक अथॉरिटी में प्रबंध समिति में मुद्दों से जुड़े हुए हैं और पर्यटन की आपने बात सुन ली। आप चूंकि पिछले एक वर्ष में नजदीक से चीजों को देखा है, त्रासदी को देखा है, उन लोगों से मिले, वहां पे जाके आपने ऑन स्पॉट स्टडी की है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी नजर में पिछले एक वर्ष में ये जो रोड मैप दिखाया जा रहा है, बोले वो सरकार का है, बोले सामाजिक संस्थाओं द्वारा, आप किस तरह से आंकते हैं इन चीजों को? देखिए, हमको बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। जो तोड़ के यात्रा शुरू कर देने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ गुड़गुड़ है, पहली बात यह समझना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये त्रासदी से जो स्थानीय जनजीवन के जो हालात हुए, क्या मैं आपको इस सवाल पे इस बिंदु को रोकना इसलिए चाहता हूँ, क्या आप ये मानते हो कि ये आदमी द्वारा निर्मित आपदा थी कि प्राकृतिक आपदा थी? ये आदमी द्वारा मैन मेड त्रासदी थी, ये आदमी की देन है। इसलिए देन है आदमी की कि 15-16 जून को अचानक इतनी भारी बारिश, ये कहां से आई? मानसून नहीं था तो ये इसलिए आई ये बारिश कि जो तापक्रम लगातार बढ़ता गया, लोकल इवेपोरेशन में अचानक टेम्परेचर डाउन हुआ और एक साथ वो बारिश सर पे पड़ी, ये मैन मेड है। क्योंकि आखिर तापक्रम विश्व का क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो शैली हो गई है, नहीं इतनी तरह की एनर्जी रिलीज होती है, इतना कार्बन एमिशन हो रहा है, हमारी जो शैली है जीवन की, इसने बड़ा भारी परिवर्तन पर्यावरण पर किया है और ये इसी की देन थी जिसने ये बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। साथ में हमारी जो तैयारियां थी जो बड़ी कमजोर किस्म की होती हैं, हमारी सड़कों का ढांचा, हमारे सड़कों को बनाने के तौर तरीके, पहले स्पीड मैक होता था, हाथों से सड़कें बनती थी, आज मशीनें चलती हैं, सबको हिला देती है, बम फोड़े जाते हैं, तो स्वतः है, ये तो स्वीकार है, ये तो फैक्ट भी है, वैज्ञानिक आधार तय हो चुका है कि ये मैन मेड था। पर दूसरी बड़ी बात यह है, देखिए सबसे बड़ा यह है कि त्रासदी आई, त्रासदी ने एक हमारी यात्रा को बड़ा संकट पहुंचा, जो हमारी निश्चित रूप से हमारी आर्थिकी का सबसे बड़ा जड़ था, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपदाएं हमारे यहाँ लगातार आई है, यात्राएं लगातार रुकती भी गई है, ये पहली बार नहीं हुआ है, छोटे रूप में ही रही, लेकिन वो लोग जिनसे पहाड़ जिंदा है, जिससे पहाड़ बनता है और जो यहाँ के थे, उसके लिए सरकार कितनी गंभीर एक साल में रही, ये सारा ज्यादा बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर कोई भी यात्रा तय कर ली जाती है, लोग आएंगे जाएंगे, उनकी सुरक्षा उनके बारे में सावधानी, लेकिन जो लगातार एक लंबे समय से झेल रहे हैं, उनके लिए सरकार के किए गए प्रयत्न बड़े दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि दो दिन पहले, इस वर्षी से दो दिन पहले अगर हमें नरकंकाल मिलते हैं, हमें मानव अवशेष मिलते हैं, तो ये इस बात के नकारेपन को दर्शाता है कि एक साल में ये भी नहीं करता है। ये आपको ये जो आक्रोश है, ये जायज हो सकता है, इससे पहले कि मैं दोबारा आप पर आऊँ और आपसे इस मुद्दे की जो और भी गंभीरता है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें, इससे पहले हमारे पास प्रोफेसर जैन हैं जो अमेरिकी विश्वविद्यालय में ये जो एंथ्रोपोलॉजी जो उसका डेमोग्राफिक जो ताना बाना है पूरा, और आपदा के साथ पर्यावरण के जो मुद्दों के साथ, तो मेरे को प्रश्न जाने, आप बार बार उत्तराखंड की देवभूमि पे आए हैं और अपनी रिसर्च को अंजाम देते रहे हैं, आपकी नज़र में इस तरह की जो आपदा होती है तो उसका जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो आपका जो सर्वेक्षण है वो किस तरह से बताता है? मुझे बहुत ही खुशी है यहाँ पे उत्तराखंड में आने का, तीसरे साल लगातार मौका मिला मुझे, और डॉक्टर जोशी अमेरिका आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस में एक लेक्चर देने, तब मुलाकात हुई थी, प्रोफेसर जॉर्ज जेम्स ने बुलाया था, उनको मेरे सीनियर कॉलीग हैं, तो मैं बड़ी उम्मीद लेके आया था, बहुत ज़्यादा बहुत हाई इमेज, एक बहुत ही उच्च छवि लेके, मालिक के जो भारत का ही नहीं बल्कि पृथ्वी का मस्तक कहलाता है, उसकी शरण में आया था। दो साल पहले हिमालय जिसके बारे में दो साल पहले जब मैं आया था पिछली पहली बार, तो बहुत ही आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ आया था, और उस समय तो बहुत अच्छा रहा था, मैंने पूरा
हेस्को के सानिध्य में मैंने हर जिले में जाने का मुझे मौका मिला था मेरे शोध पे, मैं हेस्को पे किताब लिख रहा हूँ अभी, तो हेस्को के काम पे जो उन्होंने 30 साल से काम किया, तो हर जिले में जाके मैं बहुत ही लाभान्वित हुआ था जिस तरह से जंगलों को बचा के रखा गया अभी तक। लेकिन उसके बाद पिछले साल जो हुआ एकदम मैं भी दहल गया, ना उत्तराखंड तो दहला है लेकिन जो मैं बाहर से आया था, तो जिस तरह से मैं एक गुण गाता हूँ, मैं एक गुण गाने की कोशिश गीत गाने की कोशिश करता हूँ, विदेश में रहता हूँ लेकिन अपनी धरती के गुण गाना चाहता हूँ, तो मैं बड़ी उम्मीद से आया था कि यहाँ पे सभी समस्याओं का हल कहीं है तो गाँव में है, जंगलों में है, गाँव की हमारी जो विजडम है जो हजारों सालों से हमने बचा के रखी, जो घराट है सैकड़ों घराट चलते हैं आज भी जिनको ऐसा रिटायर किया, इस तरह के जो जहाँ जहाँ अमेरिका फेल हो रहा है, जहाँ जहाँ जो गलती अमेरिका कर रहा है उन गलतियों का समाधान कहीं है तो गाँव में है, इस तरह की उम्मीद लेके मैं आया था। बहुत बहुत पूरी बहुत तरह से मेरी उम्मीदें पूरी भी हुई, लेकिन जब पिछली बार जब उत्तराखंड दहल गया तो मुझे भी अभी तक सत्य में हूँ और अभी तीसरी बार आया हूँ, लेकिन तो मुझे विश्वास है कि हेस्को के प्रयासों से और बहुत जो भी आपकी नजर में क्या ऐसे कारण है जिनके कारण ये हादसा हुआ? जी तो वही मैं उसी को आ रहा था मैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जो गलतियां अमेरिका करता है या यूरोप करता है, जिस तरह से अंधाधुंध कंजम्पशन किया अमेरिका ने, पूरे विश्व के जंगलों का तबाह किया अमेरिका यूरोप के कंजम्पशन में, वही गलतियां हम कर रहे हैं अभी, हम सीखने का मौका लेना ही नहीं चाहते। अमेरिका ने अगर प्लास्टिक के बम प्लास्टिक में चिप्स खा के अगर वो प्लास्टिक कचरा फेंकता है पूरे विश्व में, पानी की बोतलों को सो कॉल रिसाइकिल करके वो पानी की सारी खाली बोतलें या हमें इंडिया में आके जलाई जाती है, वहां तो उनको लगता है रिसाइकिल कर रहे हैं, लेकिन वो सारी पानी की बोतलें आती है हमें इंडिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आके वो डंप करते हैं, वही सारी गलतियां हम कर रहे हैं, बिल्कुल सीखने का नाम लेना ही है। मानते हैं कि इस वक्त जो उत्तराखंड का ये जो विकास के नाम पे जो इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उसके प्रति सजग होने की जरूरत है। बिल्कुल, कम से कम सरकार करे या नहीं करे लेकिन हम अपने निजी तौर पे हम तो कम से कम प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद करें, पानी की बोतल बचाना है तो प्लास्टिक का उपयोग भी बंद करना, एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से हम कर सकते हैं। जी रविंद्र जी, आपने सारी बातचीत अभी सुनी, विशेषज्ञों की सुनी, पर्यटन वाले कुछ कह रहे हैं, इनका आक्रोश गुस्सा जोशी जी का सरकार पर भी है, थोड़ा सा शायद आप पर भी आक्षेप हो सकता है, आप माने तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो तमाम जितनी पूरी की पूरी व्यवस्था है जिसको आप देख रहे हैं, आप चूंकि सरकार के नुमाइंदे के तौर पर भी आपको देखा जा रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन दिनों एक साल के बाद जब हम इस चर्चा को में रत हैं, बात कर रहे हैं, तो लोगों की जानकारी के लिए क्या कुछ ऐसी योजनाएं जो वो विकास नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, पर यात्रा अनवरत चालू है। यात्रा चालू इसलिए है कि लोगों की उसमें श्रद्धा है, वो बोले धार्मिक कारणों से है, बोले सामाजिक कारणों से, वो अलग कारण है, तो मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि यात्रा पे लोग तो आएंगे, क्या कितनी सुरक्षित यात्रा है ये और क्या ऐसे इंतजाम है कि जो लोगों के मन से भयमुक्त होकर यात्रा लोग कर सके? मैं भावना समझ सकता हूँ जोशी जी की, और जैसे कि जैन साहब ने कहा कि हमें अमेरिका को ही फॉलो नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक मानता हूँ, लेकिन क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश है तो हम लोग विकसित हो रहे हैं, तो अभी तो सारी जितनी भी वो बातों में हम पे लागू होती हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें करना है लेकिन अपनी अपनी एनवायरमेंट को सेव करके करना है, हमें ये नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना, हमें वो भी करना है, लेकिन जैसे जोशी ने कहा कि देखना है कि जो गांव के लेवल पे हमारे को क्या हम दे सकते हैं, कैसे सस्टेन कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, जिससे जंगल और पहाड़, जी बिल्कुल, जो हमारी मेन, मैं आपको एक इश्यू बताऊं, जैसे हम कह देते हैं कि यात्रा को हमें कई बार मैं कई बैठता हूँ डिस्कस करता है तो कहते हैं क्या जरूरत थी अभी आपको 3 साल यात्रा रोक के रखने की, मैं अगर छोटा एग्जांपल देता हूँ कि जब यात्रा के बाद जब त्रासदी आई तो मैं गोविंद घाट पर पहुंचा था नितेश्वर, तो वहां जब मेरे को लोग मिले पूर्णा और भंडार गाँव के, तो उन्होंने कहा भैया जी जो हमारा होना था वो तो हो गया, मैं ये वर्ड जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे वर्ड कि जो हमारा होना था वो तो हो गया, किसी तरह भी आप इस यात्रा को दोबारा शुरू करा दो नहीं तो हमारा तो रोजी रोटी का जरिया बिल्कुल बंद हो जाएगा। कारण क्योंकि ये सच्चाई है कि बहुत सारे हमारे परिवार की जो रोजी रोटी चलती है वो इस यात्रा से और टूरिज्म के अन्य जो भी रोकना, लेकिन उसके उसी का प्रयास किया गया कि उनकी जो मॉरल है वो डाउन ना हो जाए, देखिए आप पैसा दे देंगे, आप उनको गेहूं बांट दिया, आपने उनको राशन दे दिया, कब कर देंगे, और फिर हमने अपनी अपनी जो भावी पीढ़ी है उसको नकारा तो नहीं करना ना, हमने काम लगाना है,
और ये भी देखना है कि प्लान रुके, प्लान ऐसा कर रुकेगा नहीं। अगर वहां जान को खतरा है और कोई काम नहीं है तो आदमी क्या करेगा, ऊपर है वो नीचे को भागेगा। तो इस सब को देखते हुए बिल्कुल ठीक कहना है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए, इसमें मैं बिल्कुल साथ हूँ, इस बात में मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। ये किक स्टार्ट वाला काम नहीं होना चाहिए, एक किक स्टार्ट हो गया लेकिन आप मैं बताऊं, जैसे कि आप वहां पर रास्ता बना जो जो ट्रैक रूट बन रहा है, अब यात्रा शुरू करें, लेकिन अब जो आगे प्लानिंग बननी है, जो कहां पर गांव को डेवलप करना है, कहां टूरिस्ट के लिए बनाना है, कैसे करना है, वो लॉन्ग टर्म सोच के ही बनना है। ये जो आप आपदा में रिलीफ की बात कर रहे हो, तो देखिए आप अब जो हमारी जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आप एक्सपेक्ट करें कि एकदम से कोई रिलीफ मिल जाएगी, यही मेन चीज है। उसके लिए वहां जो मेरा अपना मानना है कि जो हमारे गांव रस्ते में पड़ते हैं, यहाँ के नौजवान, यहाँ के युवक, इनको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूरा पता होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉय करे, चाहे उनको गवर्नमेंट सिखाए, क्योंकि ये जब ऐसा कोई वक्त आएगा दे विल बी द फर्स्ट पर्सन जो मौके पे पहुंचेंगे। जी हमारा जो समय है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, चलते चलते एक लाइन में उत्तराखंड पर्यटन विभाग है जो क्या कहना चाहता है अपने यात्रियों को, श्रद्धालुओं को जो देवभूमि की इस यात्रा पे आ रहे हैं। देखिए पर्यटन विभाग और राज्य सरकार की तरफ से तो हमारा यही सभी आने वाले जो देश विदेश के जो पर्यटक जो सालों साल से भी आते रहे हैं और चार पांचों धाम के दर्शन करते रहे, तो सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उनकी जो भी यात्रा पूरे प्रदेश में हो वो सुरक्षित हो और उनको जो सुविधाएं मतलब मुख्य सुविधाएं हम दे सकें, ये प्रयास है। तो हम तो ये इसी उम्मीद से है कि जो हमारे जो पर्यटक जब यहाँ आएंगे वो सुरक्षित महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें, और साथ में जो हमारा जो जो लोकल जो हमारा रोजगार जो जुड़ा हुआ लोगों का वो भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है, तो उनके हम बुलाना चाहते हैं, उनके स्वागत के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जोशी जी उन्होंने कह दी। कुछ लक्ष्मी को समय खत्म हो रहा है, समझता हूँ कि सरकार को जब 3 महीने आपदा आई थी तो सरकार ने हफरा तबरी में तमाम समितियां बनाई थी, तमाम सर्वेक्षण किए थे, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद कोई बैठ के भी, क्योंकि दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ सरकार अपने को बचाने में ज्यादा नहीं है, आपदा के लोगों को बचाने में कम। अगर आप देख लो क्योंकि कहाँ है वो बैठ के, कहाँ है वो एक आख्या तैयार करने की पर्यावरण संरक्षण को लेकर बात उठी थी, इन तमाम मुद्दों में सरकार द्वारा सोची रोड मैप तैयार करें, मुझे लगता है उसकी आवश्यकता है। जो एक सामाजिक ताना बाना होता है, जिस तरह की आपदा से कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर टूट जाता है, प्रस्तुत जन क्या राय है आपकी? मैं तो विद्यार्थी हूँ उत्तराखंड की संस्कृति का और इकोलॉजी का इकोनॉमी का, तो मैं तो एक विद्यार्थी कहता हूँ, मैं तो बस आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ आप सबसे कि प्लीज कृपया उत्तराखंड को बचा के रखिए, न सिर्फ अपने लिए पर विश्व के लिए, क्योंकि मैंने कल भी सुना था, मैं सहमत भी हूँ कि संस्कृत और संस्कृति की जननी गंगा और यमुना की जननी आपका उत्तराखंड है, तो हमारे लिए सबके लिए विश्व के लिए बचा के रखिए। अमेरिका से प्रार्थना करता हूँ आपकी सबसे कि हम लोग आएंगे और हम हर साल अमेरिका से 10 से कम 10 विद्यार्थियों में लाना चाहते हैं और यहाँ हम आके सीखना चाहते हैं विद्यार्थी के तौर पर, तो प्लीज आप बचा के रखियो। तो इतनी बिंद्रा जी और चौहान साहब और प्रसिद्ध जान, हम सब कहीं ना कहीं एक लाइन पे एक बिंदु पे आके सहमति दे देते हैं कि इस हिमालय को, इस माटी को, इस जंगल को, तो यहाँ के आदमी को जिंदा रहना है और बचा के रखना है। और इसी के साथ प्लान का जुड़ा हुआ मुद्दा जो अभी बिंद्रा जी उठा रहे थे, पर्यटन से जुड़ा हुआ मुद्दा कि एक प्रतिबद्धता तो कहीं ना कहीं दिखती है। ये ठीक है कि नाकामियां हो सकती हैं, ये भी ठीक है कि कुछ असफलताएं हो सकती हैं, कि इस तरह से यात्रा प्रबंध नहीं हो सके, पर जो प्रयास है उनका स्वागत करते हुए आने वाले दिनों में एक सुरक्षित अच्छी यात्रा का रोड मैप देवभूमि उत्तराखंड के इस खित्ते से, जैसे बड़ा सज्ञान कह रहे थे कि गंगा जमुनी इस तहजीब के साथ और उत्तराखंड से शुभ इशारों और धार्मिक जो श्रद्धा है श्रद्धालुओं का, बाबा बद्री विशाल और हेमकुंड साहब दशम पाशाह सब पर मेह का हाथ रखें, पर लोग अपने मन्नतों के लिए, इस देश की अखंडता के लिए और अपने अटूट विश्वास के लिए इस देवभूमि पर दोबारा अपने कदम रखें और आए पर्यटन विभाग
प्रोफेसर जैन जोशी जी, बिंद्रा जी और चौहान साहब, आप इस पर चर्चा में आए और आज श्रद्धांजलि के दिन जब एक वर्ष इस त्रासदी को पूरा होना जा रहा है, अपनी मन की इच्छाओं के साथ, अपनी उस प्रतिबद्धता के साथ दोहराया गया है कि हम उस देवभूमि की कामना करते हैं जिस पर ये पांचों धामों की यात्रा अनवरत चलती रहे और अच्छे ढंग से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हिमालय के जंगल, आदमी और पहाड़ को बचा कर रख सके। आप सबको ढेर शुभकामनाएं, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। दूरदर्शन की तरफ से यह प्रयास उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए भी था जो अपनी जान कहीं ना कहीं पिछले साल आई त्रासदी में खो गए। हम उन जख्मों पर मरण के तौर पर इस प्रोग्राम को उन सबको समर्पित करते हैं। आप सबका स्टूडियो में आने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।